हम एवरीवन, आज मैं आपको रस के उदाहरण बता रही हूँ, तो ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। सबसे पहले मैं आपको श्रृंगार रस बता रही हूँ। तो श्रृंगार रस जो होता है उसमें देखिए क्या होता है, मैं पहले ये बता देती हूँ। श्रृंगार रस जब भी किसी पंक्तियों में, कविता के पंक्तियों में प्रयोग किया जाता है, तो उससे जो है कविता आभूषण जिसे कहते हैं, जैसे यूं लगेगा किसी ने आभूषण पहन रखे हों, यानी सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। जैसे श्रृंगार से सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसका पहला जो उदाहरण है, जैसे पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद गंध पुष्प माल। तो यहाँ कौन सा भाव है? श्रृंगार का भाव है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि के कौन सी भावना को बता रहा है? श्रृंगार की भावना को बता रहा है, क्योंकि श्रृंगार से संबंधित वस्तु या शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे माल जो होती है वो माला को कहते हैं, इसे कहते हैं माला को कहते हैं। तो माला से किसी भी शरीर की शोभा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कविता की शोभा बढ़ रही है। किससे? श्रृंगार की वस्तुओं से। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस का यदि प्रश्न आ जाए तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का प्रयोग है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कोई भी एक पंक्ति आपको दे देंगे। दूसरा जो यहाँ पर देखो उदाहरण बता रहे हैं, है कनक सा रंग उसका, यानी सोने जैसा रंग है। तो यहाँ फिर से श्रृंगार की भावना आ गई। सुर्ख फूलों से अधर, होंठ कैसे हैं? लाल फूलों जैसे हैं। देख लो सूरत पे की भूल चामे जगर, नैन में तस्वीर उसकी है समाई हर घड़ी, प्रीत काले दीप जैसे कामिनी सम्मुख। तो यहाँ पर देखो श्रृंगार रस की भावना है इस कविता में, क्योंकि यहाँ पर होठों का श्रृंगार और रंग का श्रृंगार दो चीज़ों की बात की गई है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस है इस कविता में। फिर देखो तीसरा उदाहरण देखिए, देखिए टूट गया है दर्पण में कैसे देखूं रूप अपार, छवि के भी हों जाते टुकड़े ऐसे दे पड़े दगर। तो यहाँ पर देखो कि रूप देख रहे हैं किसमें? दर्पण में। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की भावना है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहिनी। तो यहाँ पर सीता जी के हिरनी के समान जो नेत्र हैं उनकी वर्णन उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस है कविता में? श्रृंगार रस की भावना है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस है। बतरास लालच लाल की मुसली धरी लुकाई, यहाँ पर श्रृंगार रस की भावना है। इसकी नेक्स्ट पंक्तियाँ देखो, सौ करें भौसी हंसे भौनी हंसे कहते कुहर नट जाई। तो यहाँ पर भी हंसने में श्रृंगार की भावना है। तो यहाँ पर भी भौहों की बात की गई है। तो इन पंक्तियों में भी श्रृंगार रस की भावना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे करुण रस। तो आप तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।